हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आप लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल अमन बानी रेक्स पर। सो आज आपके लिए लेके आए हैं पवन सिंह जी का स्टेज शो, जो कि अनुपमा यादव जी के साथ कुछ टाइम पहले हुआ था। एंड काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं पवन सिंह जी के स्टेज शो एंड सॉन्ग से रिएक्शन कीजिए। तो अभी हमने न्यू वीडियोस बनानी स्टार्ट की, मतलब काफी टाइम बाद जाके वीडियो बनानी स्टार्ट की है। सो अब धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगी। एक साल हो गया हमको ना। हाँ, एक साल के करीब होने वाला है। वीडियोस हमारी है ना आ नहीं रही थी, बिजी शेड्यूल बहुत चल रहा था, तो अब जाके थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो अब सोचा फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो चलो पवन सिंह जी के स्टेज शो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पवन सिंह का स्टेज शो कैसा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ, एक जना के मुंह से और सुन लिया कि पवन सिंह जीत जाए तो अमेरिका इंग्लैंड चल जाए। ये कोई जागरण वगैरह लग रहा है ना, अभी वो दिन याद है, चुन्नी वगैरह डाली हुई है। आज जो हमारे को खड़ा कर दे बहुत तक आयु घर तो दे। मुझे वो भी दिन याद है कि अजूरिया रात में रात लाख में एसी में रहता हूँ, बट मेरे शरीर में उतना पावर है कि दिन भर धूप में गेहूं काट दे। क्या बात है, हरे पूछी है तीनों माई किसके बच्चे खाली अखिया खोला बाबुआ कि बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बाबुआ लाइकाई में हमने के माया सही गोदी में बैठा हुआ था। इठेठ से आती बना पाना को हाथली सब और पिटर देखने पियले माई का दूध पियले बा। अरे माई, ये बाबा का गाना, इसको एक मुखड़ा अंतर आप पूरा करिएगा। हेलो, सुनाइए मोहन जी सुनाइए। अरे माई, हे माई, महिमा तुहार अपरंपार। क्या बात है, हे माई, काफी टाइम बाद हम लोग ये स्टेज शो देखे, तो काफी अच्छा लग रहा है। शुरुआत करिए। सरनाइया, सरनाइया मत। अरे विंध्यवासिनी मई हर मैया ओ दुर्गा सी ओ हो, अरे बाघ के दमरी वाली माई तू थावे की भवानी ए माई, थावे के भवानी तू थावे के भवानी भैया हो, माई के दरबार में बानी जा। एक चीज हमेशा सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हमारे माई बहन बैठल बानी जा, हमारे नौजवान भाई खड़े हैं, एक बार सबको इतनी हाथ उठा दे। तू थावे के भवानी माई, आज लघुवानी गांव में अपने माई के सामने पवनवा खड़ा बा। पवन के बिना बोलले जितना हमार माई बहन बैठल बाड़ी जा, हमार नौजवान भाई खड़ा बाड़ा जा, अगर एक एक हाथ उठा के सब कोई ताली बजा दी तो पवनवा समझ लिया जे कि हमार जीत हो गई। तू थावे के भवानी ए माई, महिमा तुहारे ए माई, महिमा तुहारे चेंज नहीं है पवन सिंह जी में, सब कुछ पहले जैसे ही है, मतलब ना आवाज ना कुछ। एक साल बाद अब जैसे ना सुनता हूँ बात करने का वो स्टाइल बहुत कुछ हो हरे दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी
बजा के दुलारी बड़ी दुलारी आतना ना बोला तो नहीं दिन भगी हमरो वजिया तरी लग गई बा लेकिन हम लोग माँ के दरबार में खड़े भाव होना चाहिए बड़ी दुलारी सबका से है सुकवार हमार मैया सुन सबका से है सुकवार हमार मैया सुन मैं कितना कितना खुश नसीब हूँ कितना सौभाग्यशाली हूँ देखा हमारे को बहन बहन खड़ा भी अरे बिटिया कितना मगन पिया कैसे झूमत दिया एक बार हमरे बिटिया के देख के सबको यहाँ पिता के ताली बजाते जा सबका से हाई सुकवाद हमार मैया सुन सबका से हाई सुकवाद हमार मैया सुन हर की ओरिए ओरिए मधु चुए बजे बरहो बजाना अवतारी हो क्या बात है ओरिए ओरिए मधु चुए बजे बरहो बजाना अवतारी हो आज माई हमर ये कितना बड़ा सौभाग्य है एक कलाकार के लिए कि पवन जब देवी गीत गावे ला तो हमारे माई बहन के देवी गीत सब याद बा साथे गावे नहीं क्या बात इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ और नहीं हो सकती है आज माई हमारे अगना अवतारी हो आज माई हमारे अगना अवतारी हो छोटी रे मोटी छोटी रे मोटी निमिया गछिया भुइया लोटे भुइया भुइया लोटे का मोटी निमिया गछिया छोटी रे मोटी निमिया गछिया भुइया लोटे डाल भैया हो भुइया लोटे डाल भैया हो क्या बात है यार जबरदस्त स्टेज शो था वैसे मैं सोच रहा था कि शायद अनुपमा यादव जी भी बीच में गाएंगे शायद इन्होंने बीच में गाया होगा तो काफी बड़ा होगा ना हाँ मतलब जागरण का स्टेज शो था तो बहुत बढ़िया मेरे को लगा बाकी यार पवन सिंह जी स्टेज शो काफी टाइम बाद मैंने सुना है तो काफी अच्छा लगा यार मतलब पवन सिंह जी की वॉइस सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्टेज शो में तो जोश होता तो जागरण था जागरण में भी है ना जबरदस्त क्योंकि इनके जागरण हमेशा ही बहुत बढ़िया होते हैं मतलब माई के गीत बहुत बढ़िया बढ़िया सुनने को मिलते हैं जागरण में ये होता है कि मतलब ना इंसान का मन खुद ही मतलब नाचने को करने लग जाता है जागरण में जैसे पवन सिंह जी इसमें स्टेशन में कह भी रहे थे कि बात सुनो नचने में ही लगे हुए हैं है ना कुछ ऐसे बोल रहे थे तो मतलब एंजॉय किया यार हमको तो बहुत बढ़िया लगा एंड आप लोग बताओ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो शेयर करो जितना हो सके एंड फिर से जो प्यार आपका था फिर से बनाओ एंड आपके लिए लगातार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।